करेंगे। नेकमय समूह की ओर से रविवार को खुशियों वाले रविवार के तहत बेसहारा 11 बेटियों के चरण धोकर उन्हें कपड़े, उपहार और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। एनबीए एसिस्टेंट हाउसिंग बोर्ड में नेकमय समूह की ओर से चल रहे अत्योदय आत्मविश्वास केंद्र में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम में बेटियों को उपहार दिए गए। इन बेटियों को ट्रेनिंग और समाज सेवी कुंती अग्रवाल के निर्देशन में चयनित किया गया था। इस अवसर पर एक गरीब बेसहारा महिला को साल भर का राशन, छत का पंखा सहित कपड़े और घरेलू सामान दिया गया। यह सामान और पंखा चिमनी बाई खान चंद हजरती ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी दौलत राम हजरती ने प्रदान किया। कार्यक्रम में 11 जरूरतमंद महिलाओं को कपड़े और अन्य सामग्री डॉक्टर गोपाल राय चौधरी अलवर अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से दिया गया। समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तरीजा ने कहा कि नेक कमाई की ओर से नवरात्रि के अवसर पर पूरे 9 दिन तक बेसहारा बेटियों को उनकी जरूरत का सामान उनके घर पर जाकर दिया जाएगा। इसमें प्रतिदिन सुबह यह कार्यक्रम होगा। ख्याति नाम अर्थशास्त्री डॉक्टर सत्यभान यादव ने कहा कि पहली बार जरूरतमंद के घर तक खुशियां जा रही हैं। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा कि बेटियों के चरण धोकर उनके तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया गया। मंच का संचालन गुरुप्रीत सिंह ने किया। इस अवसर पर कुंती अग्रवाल, एमडी गोयल, अजय आनंद गोयल, सौरभ कालरा, बबली शर्मा, अमित छाबड़ा, धीरज जैन ने विचार व्यक्त किए। अंत में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। आज ने कमाई ग्रुप ने यहाँ एनईडी में आकर के 11 बच्चों को उनके पैर आशीर्वाद लिया और उन्हें कपड़े, मिठाइयाँ और उसके साथ साथ अन्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही कुछ अन्य बहनें जो बहुत ही असहाय और गरीब थी उनको भी उनके घरेलू आवश्यकताओं के मुताबिक सामान दिया गया। भगवान इसी तरह हम लोगों को यह अवसर देता रहे। मिलकर के इसी तरह से भविष्य में भी सामाजिक कार्यों में प्रचंड काम लेते रहे। सभी नेकमय ग्रुप के सभी सदस्यों का बहुत बहुत सहयोग रहा और खास साहब भविष्य में इसी तरह का सहयोग बना रहेगा। तरफ से खुशियों वाला जो रविवार है, आज सुबह नन्हे मुन्ने 11 जो बच्चियां हैं उनको माताओं के रूप में सभी सदस्यों ने उनके चरण को धोकर, उनके चरण छूकर उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है। और जो एक महिला थी उनको राशन के सामान, कपड़े, आटा, ये सब उपलब्ध कराया। नेकमय की ओर से आज यहाँ एनईबी एक्सटेंशन में माताओं के रूप में 11 बच्चियों को से आशीर्वाद लेकर, उनके पैर धोकर उनसे आशीर्वाद दिया है। और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर 5 महिलाओं को सूट, कपड़े और राशन का मंत्री सामान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। नेकमय के सभी सदस्यों ने नेकमय में बहुत ही महत्वपूर्ण एक महिला थी, बहुत गरीब, उसने इतनी सहायता की है और 11 कन्याओं का उन्होंने विधिवत माताओं के रूप में पूजन किया है। 5 महिलाओं को उनको भी कपड़े दिए। नेक कमाई जैसा नाम है वैसा करती आ रही थी और आज सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा।